तो अभी वहाँ नीचे जाना है। लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, पर धूप भी लग रही है अब तो खतरनाक वाली। शाम तक शायद मौसम चेंज हो जाएगा, मतलब पहाड़ों में यही है, पता नहीं चलता है कि अभी जैसे धूप है फिर शाम को फिर बारिश भी आ सकती है और मौसम चेंज भी हो सकता है। तो पहले हम इस मंदिर में जाएंगे, उसके बाद फिर आगे भी एक मंदिर है, वहाँ का भी प्लान बनाएंगे। ये भी शिव मंदिर है, वो भी शिव मंदिर है, पर दोनों अलग अलग उस पर है, लोकेशन पे। तो भाई गौरव तो काफ़ी तेज़ भाग रहा है। गौरव रुक जाओ भाई, उसे रहा नहीं जा रहा है अब। दूसरे मंदिर में भी पहुंचने वाले हैं, वहाँ नदी में दोस्त लोग नहा रहे हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भाई साहब काफ़ी भीड़ हो रखी है। मतलब गर्मी आज इतनी है कि सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ चले गए नहाने के लिए। देखते हैं हमारा क्या सीन होता है, नहीं तो हम भी जाएंगे नहाने के लिए। यहाँ से हमारा गाँव कितना दूर है, ऊपर टॉप में जाना पड़ेगा हमें, वो भी पैदल। देखते हैं चल पाते या नहीं, क्या सीन होता है। तो अभी मंदिर के दर्शन कर लिए, फिर यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे मस्त हवा चल रही है और यहाँ पे नज़ारा काफ़ी मस्त है यार, देख सकते हो चारों तरफ। यहाँ पे ये छोटा सा ब्रिज है, उसके बाद यहाँ पे ये गदेरा आ रहे हैं और नीचे लड़के लोग नहा रहे हैं। नितिन आएगा तो हैं, किन भी नहीं हो। एक शिव मंदिर यहाँ पे है, शिव मुंडा महादेव, उसी के बगल में एक छोटा सा मंदिर है। पर भाई व्यू यहाँ पे एक नंबर है यार, यहाँ मैं एक साल पहले भी आया था वीडियो बनाने, काफ़ी मस्त लोकेशन है यार ये। यहाँ पे आम के पेड़ हैं,